बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद सुनामी आनी बेबी कुमारी। मुख्यमंत्री जी अंतर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जीत तो हम चुके ही हुए हैं। तो यहाँ जो रुझान मिल रहा है कि बेबी कुमारी जो है 50,000 मतों से अभी जीत की ओर अग्रसर है। 25,000 मतों से ऊपर से चुनाव जीतेंगे बोचा विधानसभा। कुछ नहीं है, विकास पूरे बिहार में गंगा बह रहा है, विकास इतना ज्यादा हो रहा है जो आदमी एकदम विकास से प्रभावित है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बोचहा विधानसभा में उपचुनाव 12 तारीख को होना है और प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में एनडीए नेता आज पूरी जोर लगाए हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आ रहे हैं। सभा से पहले नेताओं का क्या कुछ कहना है वो हम जानेंगे। नेता क्या कुछ कहेंगे, क्या सभा होने वाली है? जी, आज जो है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। वैसे तो बोचहा विधानसभा से जो यहाँ जो रुझान मिल रहा है कि बेबी कुमारी जो है 50,000 मतों से अभी जीत की ओर अग्रसर हैं, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ जो सभा हो रही है द्वारिका नगर यहाँ हाई स्कूल के प्रांगण में, इस सभा के बाद से जो है ये सीट कंफर्म जो है भाजपा के झोली में चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे, सभा होगी? सभा होगी, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा विकास की बात हो रही है और हम विकास कर रहे हैं। इस विकास के घड़ी में हमारे एनडीए के उम्मीदवार बेबी कुमारी 25,000 मतों से ऊपर से चुनाव जीतेंगे बोचहा विधानसभा। मुख्यमंत्री जी के असर आने से 90% असर पड़ेगा। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा? पूरे बिहार में बाहर है नीतीश कुमारे है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद सुनामी आनी बेबी कुमारी। क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी के आने से कितना असर पड़ेगा? मुख्यमंत्री जी अंतर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जीत तो हम चुके ही हुए हैं, चुनाव जीते हुए हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अंतर बढ़ाने, और भारी अंतर बढ़ेगा मुख्यमंत्री जी के आने के बाद। जीत होगी ना? जीत कोई शक है क्या? मुकेश सहनी कोई फैक्टर ही, मुकेश सहनी की कहानी खत्म है और ये आखिरी इनिंग खेल रहे हैं मुसहरी में। ये बोचहा विधानसभा में उनकी आखिरी इनिंग है, इसके बाद उनकी कोई इनिंग नहीं होने वाली है, फिर नया टीम खोजेंगे। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक नीतीश जी के आने से, नीतीश जी के खासकर महिलाओं में जो शराबबंदी उन्होंने बंद किया है, जिसे समान वर्ग के लोग खासकर महिलाएं जो खुश हैं, आज जो थोड़ा बहुत टूट फूट था महिलाओं में वो सब प्लस हो जाएगा और जीत का अंतर काफ़ी बढ़ेगा। क्या कहेंगे, कितना असर होगा नीतीश कुमार के आने से? जैसे जिलाधिकारी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी बड़े भैया रंजन कुमार जी कहे हैं कि हम लोग तो यहाँ जीत ही चुके हैं, मुख्यमंत्री तो अंतर बढ़ाने आ रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में जो नेतृत्व है, और बिहार में हमारे माननीय नीतीश जी का जो नेतृत्व है, वो खास करके आधी आबादी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए उन्हें बहुत सारी कार्य किया है, इसके अनुसार हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्यक्रम होगा उसमें महिलाओं में और उत्साह बढ़ेगा और भारी मतों से हमारी जो प्रत्याशी हैं बेबी कुमारी जी यहाँ पर बोचहा विधानसभा से, वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से कितना असर पड़ेगा? तो एक तरफा लहर है बेबी कुमारी का, यहाँ एक तरफा लहर, मुख्यमंत्री जी के आने से और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने से कुछ नहीं है, विकास पूरे बिहार में गंगा बह रहा है, विकास इतना ज़्यादा हो रहा है जो आदमी एकदम विकास से प्रभावित है पूरा। बहुत बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। जीतोगी ना? हाँ, निश्चित जीत होगी। लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और साफ साफ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और उनके आने से असर पड़ने वाला है, वोटों के अंतर से भारी जीत होगी, ये तो नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा से पहले जो एनडीए के नेता हैं उनमें जोश हाई है, देखना होगा कि ये जोश कितनी हद तक जीत दिला पाता है। देखते रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद सुनामी आनी बेबी कुमारी। मुख्यमंत्री जी अंतर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जीत तो हम चुके ही हुए हैं। तो यहाँ जो रुझान मिल रहा है कि बेबी कुमारी जो है 50,000 मतों से अभी जीत की ओर अग्रसर है। 25,000 मतों से ऊपर से चुनाव जीतेंगे बोचहा विधानसभा। कुछ नहीं है, विकास पूरे बिहार में गंगा बह रहा है, विकास इतना ज़्यादा हो रहा है जो आदमी एकदम विकास से प्रभावित है।